Hello, my dear students. I hope all of you are fit and fine and doing your study very well at your home. Dear students, today we are going to start our chapter number 19, parts of a plant and their uses. Dear students, जिस तरह से हमारे body parts होते हैं ना, like eyes, ears, nose, tongue, skin, hands, legs, इसी तरह से जो plant होते हैं ना, उनके भी body parts होते हैं. और जिस तरह से हम अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते हैं, जैसे आइज़ का यूज़ करते हैं देखने के लिए, लेग का यूज़ करते हैं चलने के लिए, हैंड का यूज़ करते हैं काम करने के लिए, इसी तरह से जो प्लांट्स होते हैं ना, उनके भी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनके भी जो पार्ट्स होते हैं, उनका भी यूज़ होता है. सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट आवर टूडेज ईवीएस क्लास. डू यू रिमेंबर? ठीक है, आपको ये पता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ ए प्लांट? कौन सा ऐसा पार्ट है जो प्लांट का हिस्सा है? सो लीव्स, यस और नो? यस. फर, नो. स्टेम, यस. रूट्स, यस. फ्लावर्स, यस. लेग्स, नो. फ्रूट्स, यस. ओके, प्लांट्स आर फाउंड एवरीवेयर. प्लांट्स जो होते हैं ना, वो हर जगह पाए जाते हैं, चारों तरफ हमारी अर्थ पे जहां भी आप जाइए आपको प्लांट्स मिलेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, प्लांट्स आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ. दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप. जो प्लांट्स होते हैं ना, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक हर्ब, श्रब्स, ट्रीज, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स एक्सेट्रा. ऑल प्लांट्स मेनली कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. जितने भी प्लांट्स होते हैं ना, वो टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. ये अगर हम मैं अगर इस जो साइड में आपके फिगर दिया है उससे दिखाना चाहूँ, तो प्लांट्स को हम ऐसे टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, यानी एक पार्ट जो होता है जिसको हम कहते हैं रूट. रूट होती है, जड़ होती है. एक सेकेंड पार्ट जो होता है ना, वो क्या होती है? शूट होती है. तो प्लांट्स जो होता है ना, वो क्या होता है, इसमें क्या कहते हैं, इसके टू पार्ट्स होते हैं. द पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच ग्रो अबव द ग्राउंड, यानी ऐसा पार्ट प्लांट का जो क्या होता है, जमीन के ऊपर होता है, अपर वाला जो पार्ट्स होता है, इसको हम क्या कहते हैं, शूट सिस्टम कहते हैं. क्या कहेंगे? शूट सिस्टम. एंड द शूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, शूट सिस्टम में क्या क्या होती है, लीव्स होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, स्टेम होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा ब्रांचेस होती हैं. ओके स्टूडेंट्स, जो हमारा प्लांट होता है वो टू पार्ट में डिवाइड होता है. जो पार्ट ग्राउंड से अबव होता है, ऊपर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको शूट सिस्टम कहते हैं. और उस शूट सिस्टम में क्या क्या कंसिस्ट होते हैं, लीफ, फ्रूट्स, फ्लावर, स्टेम एंड ब्रांचेस. और जो द पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रो बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ, यानी जमीन के अंदर होता है, इन द सॉयल, इज कॉल्ड द रूट सिस्टम. इसको हम क्या कहते हैं, रूट सिस्टम कहते हैं. सो लेट अस स्टडी अबाउट रूट्स एंड फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स. फर्स्ट इज रूट्स. रूट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर प्लांट्स. जो रूट्स होती है ना, प्लांट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. क्या, क्यों इम्पॉर्टेंट है? डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमको सीधे खड़े होने के लिए लेग की ज़रूरत होती है ना, पैरों की ज़रूरत होती है, अगर हमारे पैर ना हो तो क्या हम सीधे स्टैंड हो पाएंगे, खड़े हो पाएंगे? नहीं ना. यानी अगर हम अर्थ पे अपनी ग्रिप बना के रहते हैं, पकड़ बना के रह सकते हैं, तो किसकी वजह से है? अपने लेग की वजह से है. इसी तरह से जो प्लांट्स होते हैं ना, उसमें जो रूट होती है उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है. क्यों? बिकॉज दे ग्रो डीप इन द सॉयल. क्योंकि ये अंदर जो सॉयल होता है ना, उसमें काफ़ी डीप में ग्रो करती है ना, अंदर बहुत गहराई तक जाती हैं. ठीक है, एंड एंकर प्लांट इन इट. और जो प्लांट होती है ना, उसको क्या करती है, सपोर्ट करती है, सहारा देती है. ठीक है, दे ऑल्सो हेल्प प्लांट. इसके अलावा ये प्लांट की हेल्प करती है किस में? इन एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स. प्लांट के लिए क्या क्या एब्जॉर्ब करती है ये वाटर एंड मिनरल्स को? किससे? सॉइल से. क्योंकि क्यों सॉइल से करती है? क्योंकि जो रूट होती है वो सॉइल में होती है, और सॉइल से ही, यानी मिट्टी के अंदर से ही जो रूट्स होती हैं वो वाटर और मिनरल्स लेके प्लांट को देती हैं. रूट्स ऑल्सो स्टोर फूड फॉर सम प्लांट्स. जो रूट्स होती है ना, कुछ प्लांट्स के लिए फूड भी स्टोर करती हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैनी रूट्स, जैसे बहुत सारी रूट्स है, जैसे कि कैरेट स्टोर प्लांट. जो गाजर आपने देखी है ना, वो क्या है, वो एक रूट है ये, और ये क्या करती है, स्टोर करती है. ठीक है, अदर एडिबल रूट्स आर रेडिश. इसके अलावा और भी दूसरी जो एडिबल खाने वाली जो रूट्स हैं, जैसे कि रेडिश. ठीक है, रेडिश को आपने देखा होगा, यानी
जिसे हम मूली कहते हैं, टर्निप को देखा होगा जिसे हम शलजम जिसे आप कहते हो, पार्सली है, एंड रूट तारो जिसे हम अरबी कहते हैं, इसकी सब्जी बनती है, लोग इसको बना के खाते हैं। तो ये सारी क्या है, ये ज़मीन के अंदर होती है, इसलिए ये क्या कहलाती है, रूट कहलाती हैं और एडिबल रूट्स हैं। रूट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन, जो रूट्स होती है ना वो क्या करती है, सॉइल इरोजन को रोकती है। अब सॉइल इरोजन क्या होता है, व्हाट इज़ सॉइल इरोजन, जब कभी आपने देखा होगा बहुत तेज आंधी आती है या बहुत तेज बारिश उरिश आई, बाढ़ उड़ आई, तो जो मिट्टी होती है बह के निकलने लगती है। जिस जगह पे आपने देखा होगा ना कोई प्लांट नहीं होता है, ग्रास वगैरह कुछ नहीं होती है, वहाँ की जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है ना, बहुत आसानी से उखड़ जाती है, हल्की सी हवा चलने से भी उखड़ जाती है, पानी के साथ बह जाती है। लेकिन जो ऐसी सॉइल जहाँ पर रूट प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में क्या होती है, रूट्स होती है, तो रूट्स क्या करती हैं, ग्राउंड के नीचे सॉइल तक पूरी रूट्स फैली रहती हैं और वो जो मिट्टी होती है ना, सॉइल होती है, उसको होल्ड करके पकड़ के जकड़े हुए रहती है, जिसकी वजह से जल्दी से सॉइल इरोजन नहीं हो पाता है। सो स्टूडेंट्स, रूट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन, रूट्स सॉइल इरोजन को रोकते हैं, क्यों, बाई होल्डिंग द सॉइल टुगेदर, जो सॉइल होती है ना, मिट्टी होती है, उसको होल्ड करके रहते हैं, एक साथ पकड़े हुए रहते हैं, जो ये रूट्स है ना, इससे ये जो मिट्टी होती है ना, ये जकड़ी हुई रहती है, जिसकी वजह से वो उससे सॉइल इरोजन नहीं होता, और दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी टू अपरूट ए प्लांट। और इसी सॉइल, जब ये मिट्टी से जकड़ी हुई रहती है, इसीलिए आसान भी नहीं होता है कि हम किसी प्लांट को जल्दी से उखाड़ पाएँ। आप देखिए, कभी अगर कोई प्लांट ज़मीन में लगा है, अगर आप उसको उखाड़ना चाहते हैं तो वो जल्दी, जैसे कैरेट ही ले लीजिए, रेडिश ही ले लीजिए, अगर आप उसको उखाड़ना चाहो आसानी से तो वो जल्दी से उखड़ते नहीं हैं। टाइप्स ऑफ रूट्स, रूट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, जो रूट्स है ना उसको दो भागों में बांटा गया है, पहले को हम कहते हैं टैप रूट एंड सेकेंड को हम क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट। ठीक है, फर्स्ट है टैप रूट एंड सेकेंड इज फाइब्रस रूट। टैप रूट, व्हाट इज टैप रूट, इट इज़ द सिंगल थिक एंड स्ट्रेट रूट। ये क्या होती है, अकेली सिंगल थिक और स्ट्रेट रूट होती है, दैट ग्रो डाउन इन द सॉइल, ये सॉइल के अंदर ग्रो करती है। जो ट्रैप रूट होती है ना वो पतली सी होती है, सिंगल होती है, स्ट्रेट होती है और ज़मीन में अंदर तक फैली हुई रहती है। एंड द टैप रूट कंसिस्ट ऑफ थिन हेयर लाइक रूट्स, और जो टैप रूट्स होती है ना इसमें पतले पतले थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ऑन ऑल इट्स साइड। एंड प्लांट्स लाइक कैरेट, मैंगो, पी एंड नीम हैव टैप रूट। ये जो प्लांट है जिसे हम कैरेट कहते हैं, मैंगो कहते हैं, पीस कहते हैं, नीम कहते हैं, इसमें किस तरह की रूट होती है, टैप रूट रूट होती है। ये फिगर आप देख सकते हो टैप रूट का। नेक्स्ट होती है फाइब्रस रूट। व्हाट इज फाइब्रस रूट, मैनी प्लांट्स लाइक वीट, बहुत सारे ऐसे प्लांट है जैसे कि वीट, गेहूँ का आपने प्लांट देखा होगा, ग्रास देखा होगा, राइस का देखा होगा, कंसिस्ट ऑफ स्मॉल थिन फाइबर लाइक रूट्स। इस पिक्चर में आप देख सकते हो ना स्टेम के नीचे से ये थिन फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर है ना, पतली पतली फाइबर जैसे निकले हुए, जाले जैसे निकला हुआ है, तार धागे जैसे संरचना निकली हुई है। तो इस तरह की जो रूट्स होती है ना, इस ये क्या होती है, इसी को हम फाइबरस रूट कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैनी प्लांट्स लाइक वीट, ग्रास एंड राइस कंसिस्ट ऑफ स्मॉल थिन फाइबर लाइक रूट्स विच ब्रांच आउट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, यानी स्टेम जो होता है ना उसी के बेस से जुड़ी हुई रहती है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो ना, इसी से ये जुड़ी हुई है, एंड दीज रूट्स आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। इसके अलावा स्पेशल रूट भी होती हैं। कैसे होती हैं स्पेशल रूट, रूट्स आर नॉट ऑलवेज अंडरग्राउंड, हमेशा कोई ज़रूरी नहीं कि जो प्लांट्स हैं उनकी रूट्स ज़मीन के अंदर ही हो। इन सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स में दे रिमेन हैंगिंग इन द एयर, आपने देखा होगा कि कुछ जड़ें एयर में लटकी हुई दिखाई देती हैं। सच रूट्स आर कॉल्ड एरियल रूट्स, इन्हीं रूट्स को हम क्या कहते हैं, एरियल रूट्स कहते हैं, यानी हवाई जड़ें जिसे हम कहते हैं। दे आर फाउंड इन कॉर्न एंड बनियान ट्री, इस तरह की जड़ें किस में पाई जाती है, कॉर्न में पाई जाती है और बनियान का जो पेड़ होता है उसमें पाई जाती हैं। वेयर दे इवेंचुअली ग्रो एनफ टू असिस्ट इन सपोर्टिंग द प्लांट और ट्री, जहाँ पर ये इवेंचुअली मतलब होता है अंत में, ठीक है, ग्रो एनफ अच्छे से ग्रो करती हैं, टू असिस्ट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ असिस्ट, असिस्ट में सहायता देती हैं, किसमें, इन सपोर्टिंग द प्लांट और द ट्री, यानी जो प्लांट है या हमारा पेड़ है उसको सपोर्ट करने में। तो ये जो हेयरी रूट्स होती है ना, ये किसमें किसमें पाई जाती है, कॉर्न में और बनियान में पाई जाती है, एंड इवेंचुअली ग्रो एनफ टू असिस्ट इन सपोर्टिंग द प्लांट और
ट्री। सो एरियल रूट्स गो इन टू द सॉयल, इसके बाद से किस में चली जाती है, सॉयल में चली जाती है एंड फॉर्म सेकेंडरी रूट, और किसका रूप ले लेती है, सेकेंडरी रूप रूट इसको कहते हैं या इसको क्रॉप रूट्स कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज फ्लावर्स, फूल आप सबने देखा होगा, देखा है इस फिगर में, देखिए आपको फ्लावर दिखाई दे रहा है ना, फ्लावर इज द, फ्लावर इज ए ब्यूटीफुल पार्ट, फ्लावर क्या है, बहुत ही खूबसूरत पार्ट है किसका, प्लांट का, दैट प्रोड्यूस सीड, ये क्या प्रोड्यूस करता है, सीड प्रोड्यूस करता है, ओनली सीड बियरिंग प्लांट्स हैव फ्लावर्स, केवल सीड बियरिंग प्लांट्स जो होते हैं ना उन्हीं में फ्लावर होता है, ठीक है, यानी हमको जो सीड मिलता है ना वो किससे मिलता है, फ्लावर से मिलता है। सो स्टूडेंट्स, द फ्लावर इज द ऑर्गन ऑफ द रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और जो हमारा फ्लावर होता है ना यही क्या है, ऑर्गन है क्या, रिप्रोडक्शन के लिए, फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन के लिए कौन सा ऑर्गन होता है, फ्लावर होता है, यानी अगर अगर हम कहें इसको बहुत सिंपल वे में कहना जाएं चाहें तो हम क्या कह सकते हैं कि जो फ्लावर का, फ्लावर ही एक ऐसा ऑर्गन है, या प्लांट में फ्लावर को एक ऑर्गन के रूप में हम ले सकते हैं जो क्या करता है, रिप्रोडक्शन का काम करता है। सो वेरियस पार्ट ऑफ द फ्लावर आर रिप्रेजेंटेड इन दिस पिक्चर, फर्स्ट इज पेटल, पेटल्स क्या कहते हैं, आपने कभी फ्लावर की पंखुड़ियों को देखा है ना, पेटल्स का मतलब होता है पंखुड़ियाँ जिसे हम कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, जो पेटल्स होते हैं ना, यू कैन सी हियर द पेटल्स, व्हाट इज दिस, दिस इज पेटल्स है ना, फ्लावर में पेटल्स आपको दिखाई दे रही है, तो पेटल्स आर द कलरफुल पार्ट ऑफ ए फ्लावर, पेटल्स जो होते हैं ना फ्लावर का कलरफुल पार्ट होता है। द पेटल्स ऑफ द फ्लावर आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर, और ये जो फ्लावर्स में पेटल्स होती हैं ये एक दूसरे से बहुत अच्छे से पैक्ड होती हैं। वेन द फ्लावर इज स्मॉल, आपने देखा होगा कि जब फ्लावर की बड होती है ना, कली होती है, उसमें जो पेटल्स होती है खूब उससे चिपकी हुई रहती हैं, और जैसे ही जो बड होती है ग्रो करना शुरू करती हैं तो फ्लावर जो जो पेटल्स होती है वो भी क्या हो जाती है, ओपन हो जाती हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो पेटल्स आर द कलरफुल पार्ट ऑफ ए फ्लावर एंड क्लोजली पैक टूगेदर वेन द फ्लावर इज ए स्मॉल बड एंड वेन द बड ग्रो इन साइज द पेटल्स ऑफ द फ्लावर ओपन अप। नेक्स्ट है सेपल्स, वट इज सेपल, पेटल्स आपने समझ लिया कि इसको हम पंखुड़ियाँ कहते हैं। अब सेपल्स क्या होता है, यू कैन सी हियर द सेपल्स, दिखाई दे रहा है ना आपको सेपल। सो डियर स्टूडेंट, सेपल्स आर द स्मॉल ग्रीन पार्ट एट द बॉटम ऑफ ए फ्लावर, जो सेपल होता है वो स्मॉल ग्रीन प्लांट पार्ट होता है, और ये फ्लावर के हमेशा नीचे की तरफ होता है, होता है ना, आपने देखा फ्लावर में हमेशा नीचे ग्रीन पार्ट होता है। द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज द स्टेमन, और जो फ्लावर में दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है मेल पार्ट और एक होता है फीमेल पार्ट, तो मेल पार्ट कौन सा होता है फ्लावर का, जो फ्लावर का मेल पार्ट होता है उसमें कौन सा होता है, स्टेमन, स्टेमन में क्या होता है, स्टेमन जो होता है ना कंपोज्ड ऑफ ए थिन फिलामेंट, आप इसमें देख रहे हो फिलामेंट, फिलामेंट क्या दिखा दे रही है, पतला धागे जैसे संरचना दिख रही है ना, इसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट होता है, यानी ये किससे मिलके बना होता है, फिलामेंट से एंड द एंथर, इस फिलामेंट के ऊपर आपको ये एंथर दिख रहा है, दिखाई दे रहा है ना आपको एंथर, ठीक है, एंथर मीन्स कहते हैं पराकोश, आप इसको छुएंगे तो इसमें छोटे छोटे दाने जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है, आप इसको छूते तो ये कलर जैसे आपके फ्लावर का जैसा कलर होता है वो आपके हाथ पे टच हो जाता है। तो जो फिलामेंट होते हैं और जो एंथर होते हैं वेयर पॉलेंस आर प्रेजेंट, और यहीं पे पॉलेंस भी प्रेजेंट होती है, तो मेल पार्ट होता है जो फ्लावर का उसको हम क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं, और ये किससे मिलके बना होता है, एंथर से और फिलामेंट से। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है हमारा फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट, फीमेल पार्ट क्या होता है, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज द पिस्टिल, क्या होता है, पिस्टिल होता है, और ये जो पिस्टिल होता है ये किससे कंपोज होता है, स्टिग्मा, आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जो ग्रीन पार्ट यानी फ्लावर के नीचे का, ये नीचे नीचे का पार्ट जो होता है इसको सेपल कहते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा है, यानी जो ये ऊपर के सबसे ऊपर का पार्ट होता है इसको हम स्टिग्मा कहते हैं। एंड थिन स्टाइल एंड ओवरी, इसके अलावा एक थिन स्टाइल होता है, ये दिख आपको इस फिगर में दिख रहा है, स्टाइल दिख रही है ना, सबसे पहले क्या है ये स्टिग्मा है, इसके बाद से ये थिन स्टाइल है, उसके बाद से ये नीचे इसकी ओवरी है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, ये आपका फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट है। तो अगर हम
फ्लावर को डिवाइड करें तो ये किस में डिवाइड हो जाता है, स्टेमन में, पिस्टिल में, पेटल्स में और सेपल्स में। ओके स्टूडेंट्स, अब नाउ इज़ फ्लावर इन डिफरेंट सीज़न। अलग अलग सीज़न में जो फ्लावर होते हैं ना वो भी अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। हर मौसम में हर फ्लावर नहीं मिलता है। सो डिफरेंट फ्लावर्स ब्लूम इन डिफरेंट सीज़न, अलग अलग तरह के जो फूल है वो अलग अलग मौसम में खिलते हैं। फ्लावर्स लाइक टुलिप्स, जैसे टुलिप का फ्लावर है, फिर है आपका डेफोडिल है, ये ब्लूम इन द स्प्रिंग सीज़न। ये किस मौसम में होते हैं, स्प्रिंग का जो मौसम होता है ना उस मौसम में ये आपको मिलते हैं। इसके अलावा मैरीगोल्ड होता है जिसे आप गेंदा कहते हैं, एंड सनफ्लावर है, ब्लूम वंस एवरी ईयर इन समर, ये साल में एक ही बार गर्मियों के मौसम में ये फ्लावर दिखाई देते हैं। फ्लावर्स लाइक जैस्मिन एंड पेंसी ब्लूम इन विंटर सीज़न। इसके अलावा जैसे कि जैस्मिन है और पेंसी है, ये कब ब्लूम करते हैं, विंटर सीज़न में, सर्दियों में। अदर देन ऑल दीज फ्लावर, इसके अलावा भी बहुत सारे फ्लावर हैं, देयर आर सम फ्लावर्स लाइक रोज एंड लिली विच कैन बी सीन थ्रू आउट द ईयर। इसके अलावा अगर हम रोज़ को देखें, लिली को देखें, तो पूरे साल दिखाई देते हैं। सो स्टूडेंट, जो फ्लावर है वो डिफरेंट सीज़न में होते हैं, अलग अलग सीज़न में डिफरेंट टाइप के फ्लावर दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर स्प्रिंग सीज़न में आपको मिल देखना है तो आपको क्या क्या दिखाई देगा, स्प्रिंग सीज़न में कौन से फ्लावर दिखाई देंगे, तो लिप्स, डेफोडिल, ठीक है। इसी तरह से समर में आपको कौन कौन से फ्लावर दिखाएंगे, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर। विंटर सीज़न में आपको क्या दिखाई देगा, जैस्मिन, पैंसी। इसके अलावा पूरे साल भर अगर आपको कोई फ्लावर दिखाई देता है तो वो क्या है, रोज़ एंड लिली। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ ईवीएस क्लास। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।